गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम साइक्लॉयड कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे कि साइक्लॉयड को हम कैसे बना सकते हैं। साइक्लॉयड कंस्ट्रक्शन को देखने से पहले हम इसका कुछ बेसिक बैकग्राउंड्स के बारे में देखते हैं। बेसिकली जो कर्व्स होते हैं दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल कर्व्स, एक होता है स्पेशल कर्व्स। सिंपल कर्व्स में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, इलिप्स, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सारे के बारे में देखा, वो सिंपल कर्व्स में आते हैं। स्पेशल कर्व्स में आता है साइक्लॉयड। स्पेशल कर्व्स भी फिर दो टाइप का होता है, एक होता है साइक्लॉयड, एक होता है प्लेन कर्व, एक होता है, देखिए सबसे पहले तो एक सिंपल होता है और एक होता है स्पेशल। तो सिंपल हम लोगों ने जो इलिप्स देखे थे, ये सब पैराबोला हाइपरबोला वो सब सिंपल का था, सर्कल सारे के सारे सिंपल थे। एक स्पेशल्स होता है स्पेशल कर्व। तो स्पेशल कर्व में होता है फिर दो टाइप का होता है, एक होता है प्लेन कर्व, एक होता है प्लेन कर्व और एक होता है स्पेस कर्व। तो फिर प्लेन कर्व में फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे पहला होता है साइक्लॉयडल कर्व, ठीक है, फिर उसके बाद होता है इन्वोल्यूट, फिर इन्वोल्यूट के बाद होता है स्पेशल ही होता है। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे कि स्पाइरल फैमिली का नाम सुने होंगे, यानी इसमें स्पेशल कर्व में कितने स्पेशल कर्व दो टाइप का हुआ, इसमें फिर प्लेन कर्व और स्पेस कर्व। प्लेन कर्व फिर तीन टाइप का, प्लेन कर्व तीन टाइप का, उसमें पहला टाइप है साइक्लॉयडल कर्व, दूसरा साइक्लॉयडल हम यहीं पे सब लिख देते हैं, ठीक है। पहला साइक्लॉयडल आप ऐसे लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके जहाँ जरूरत हो वहाँ पे लिख लीजिएगा। पहला है साइक्लॉयडल, दूसरा है इन्वोल्यूट फैमिली, तीसरा है स्पाइरल फैमिली। स्पाइरल में फिर पढ़ते हैं हम आर्कमेडियन स्पाइरल, लॉगरिथमिक स्पाइरल। इन्वोल्यूट में फिर हम अलग अलग टाइप का जो देखते हैं कि इन्वोल्यूट ऑफ सर्कल, इन्वोल्यूट ऑफ ट्रायंगल, इन्वोल्यूट ऑफ रेक्टेंगल, ये सब आता है। तो वो सब किसका है, प्लेन कर्व का। स्पेस कर्व में कौन कौन सा होता है, हेलिक्स, जो हेलिक्स का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो स्पेशल कर्व में आते हैं, ठीक है। तो हम बस ऐसे ही आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो हम अभी किसके बारे में देखेंगे, स्पेशल कर्व के जो प्लेन कर्व में पहला जो आता है साइक्लॉयडल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक। तो फिर साइक्लॉयडल कर्व को फिर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है साइक्लॉयडल कर्व, एक है साइक्लॉयड, फिर एपिसाइक्लॉयड, फिर हाइपोसाइक्लॉयड। अब हम वन बाय वन करके देखेंगे साइक्लॉयड क्या होता है, एपिसाइक्लॉयड कब कहेंगे, हाइपोसाइक्लॉयड कब कहेंगे, ठीक है। साइक्लॉयड का डेफिनेशन जो है, साइक्लॉयड का डेफिनेशन है, जब कोई भी सर्कल, कोई भी सर्कल का सरकमफेरेंस पे, सर्कल का सरकमफेरेंस पे, जैसे सपोज कीजिए सर्कल का सरकमफेरेंस ये है पूरा, तो इस पे सर्कल का सेंटर यहाँ है, सर्कल का सरकमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट हो, सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट हो और वो किसी स्ट्रेट लाइन पे, अगर स्ट्रेट लाइन पे रोल्स करता है, रोल्स ध्यान की डर के वर्ड, रोल्स रोल्स करता है विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग मतलब विदाउट स्लिपिंग, बताते हैं रोलिंग क्या होता है, अभी उसके बारे में हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे आपको। रोल्स करता है किसी भी सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस, सरफेस क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक, या स्ट्रेट लाइन पे जब रोल्स करता है तो ये फिक्स पॉइंट के द्वारा एक कर्व जनरेट होता है, उस कर्व को बोलते हैं साइक्लॉयडल कर्व, उस कर्व को बोलते हैं साइक्लॉयड, सॉरी। जब ये फिक्स्ड पॉइंट है, सपोज कि ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस पर ये बहुत सारे फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट कोई भी फिक्स पॉइंट ले लें, तो हम उस ओनली उस फिक्स पॉइंट को अगर हम किसी सर्कल को रोल्स कराएं और ओनली ये सपोज कि ये कोई फिक्स पॉइंट है वन, इसको हम ट्रेस करें, इस जब ये सर्कल रोल्स करता है तो उसके बाद जो शेप जनरेट होता है उस शेप को बोलते हैं साइक्लॉयडल, साइक्लॉयडल, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर होगा, जैसे देखिए हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं, जैसे ये पॉइंट, जैसे तो ये सपोज कीजिए हम इसका नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, चलिए हम यहाँ पे ई नाम दे दे रहे हैं, ये सेंटर के उसी से नाम दिए हैं, ठीक। देखिए आप जैसे अगर सपोज कीजिए कि ये सर्कल 90 डिग्री रोटेट हुआ, 90 डिग्री से रोटेट हुआ, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और बातें बता देना जरूरी समझता हूँ मैं, रोलिंग यहाँ बोला है, रोलिंग करेगा सर्कल विदाउट स्लिपिंग, स्लिप एकदम नहीं होना चाहिए, और रोलिंग मोशन क्या होता है वो आपको पता होगा,
रोलिंग कब कहते हैं? जब किसी का ट्रांसलेशन प्लस सर्कुलर मोशन दोनों हो तब उसको बोलते हैं रोलिंग या रोटेशन। रोटेशन कब होता है? तो इसमें ट्रांसलेशन कौन करता है, सर्कुलर कौन करता है? जैसे देखिए, आपने जब ये रोटेशन चैप्टर अगर पढ़ा होगा, जो भी ट्वेल्थ के फिजिक्स पार्ट पढ़ा होगा जो बच्चा, उसे पता होगा ये है सेंटर। सेंटर होता है रोलिंग मोशन में, वो करता है ट्रांसलेशन मोशन, वो करता है ट्रांसलेशन मोशन। और जिस सर्कमफ्रेंस पे जितना भी पॉइंट होता है वो सब करता रहता है सर्कुलर मोशन। तो वही ट्रांसलेशन प्लस सर्कुलर को मिला के होता है रोटेशन। और इसमें है कि रोटेशन हो रहा है, ठीक। तो ये अगर सपोज कीजिए कि हम इस डायरेक्शन में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में सर्किल रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर वनली सिर्फ ये रोटेट करता रहता इस पॉइंट पे, वनली रोटेट करता रहता, वनली रोटेट कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल बताते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर ये वनली रोटेट करता रहता, ये है ऐसे वनली अगर रोटेट करता रहता, ये तो यहीं पर फिक्स रहता, लेकिन ये रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आदमी सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए, इस सेंटर पे बैठ जाए इसका, और ऑब्जर्व करे, तो वो क्या देखेगा? वो बोलेगा कि सर्कल जो है कि यहाँ पे रोटेट होते हुए जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, सर्कल रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों होता है, बिकॉज वो सेंटर ऑफ मास पे बैठा है, इसलिए उसको कोई पता नहीं चल रहा है, ठीक। चलिए, हमको इसके ज़्यादा डिप में जाने की जरूरत नहीं है, हम फिजिक्स अगर पढ़ाते तो फिर बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए, जो बेसिक कंसेप्ट है वो बता दिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ये तबर देखिए, अगर हम 90 सपोज कीजिए कि ये सर्कल 90 डिग्री घुमा, तो उस समय इसका शेप क्या, उस समय अगर हम ड्रॉ करें 90 डिग्री के बाद, तो सपोज कीजिए ये सर्कल यहाँ आ गया, ये सर्कल यहाँ आ गया, ठीक है, ये यहाँ आ गया। तो उस केस में क्या, ये जो बी पॉइंट है ये यहाँ बी हो जाएगा, ये ई पॉइंट है ई यहाँ आ जाएगा, और डी पॉइंट हम यहाँ माने थे, ये डी पॉइंट को माने थे, ये जो डी पॉइंट है यहाँ माने थे, ये डी पॉइंट आ जाएगा यहाँ, बिकॉज ये रोटेट कर रहा है, यूँ ऐसे रोटेशन कर रहा है, तो ये रोटेट होकर यहाँ आ जाएगा। और जो ए पॉइंट है वो आ जाएगा करीब यहाँ, ठीक है, ठीक है। सेंटर तो यहीं रहेगा, सेंटर क्या करता है, सेंटर क्या होता है, लीनियर मोशन होता है सेंटर का, ट्रांसलेशन मोशन। ये हम 90 डिग्री के बाद ड्रॉ कर रहे हैं, फिर 90 डिग्री के बाद अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए ये ए वाला पॉइंट है, ए यहाँ था, ए पहला स्टेप में यहाँ से यहाँ आ गया, देखिए ऐसे घुमा। फिर देखिए दूसरा बार में क्या होगा, ए यहाँ आ जाएगा, बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ, ई कहाँ हो जाएगा, यहाँ, डी कहाँ हो जाएगा, यहाँ, सी तो हम इसको सेंटर को माने हैं। इससे कन्फ्यूज नहीं होने का, कन्फ्यूज इससे नहीं होने का कि ए बी सी डी से, बस अब देखिए 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब जो ए हम किसको ट्रेस कर रहे हैं, ए को हम किसको ट्रेस कर रहे हैं, ए को ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। हम बीच में एक सर्कल हटा दिए आपको, एक सर्कल एक यहाँ भी बनेगा, तो उससे आप ये कीजिएगा, हम इसको ज़्यादा दूर पे बना दिए हैं, अगर देखिए यहाँ कीजिएगा तो ये यहाँ पे बनेगा ना, ये पॉइंट ए को ट्रेस कर रहे हैं तो यहाँ आ गया। फिर हम फिर एक 8 डिग्री बनाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ करके ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। आप ऐसे 90 डिग्री के घुमा के ऑब्जर्व करके देख लीजिए। तो यही जो कर्व है इसी को बोलते हैं साइक्लोइडल, अब हम इसी को वन मतलब पूरे प्रोसीड्योर से देखेंगे कि कैसे इसको हम ट्रेस करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा सब लोगों को साइक्लोइडल क्या होता है। तो इसमें देखिए आप एक चीज़ और कि देखिए, इसमें फिर हम साइक्लोइडल लिखे हैं, फिर ट्रैकोइड लिखे हैं, फिर इन्फीरियर ट्रैकोइड, सुपीरियर ट्रैकोइड, ये सब क्यों लिखे, एपिसाइक्लोइड। देखिए, जब स्ट्रेट लाइन पे चलता है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे जब कोई सर्कल रोल करता है तो उसको बोलते हैं साइक्लोइड। लेकिन यही सर्कल, अब हम इस वाले पार्ट को मिटा देते हैं, हमारा काम हो गया है, आप लोग इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, बस बोलिए ये उतार लीजिएगा, ठीक है, जो भी है। अगर यही कर्व है, यही अगर कोई, ये सपोज कीजिए कोई बड़ा सा सर्कल है, इसका सेंटर सी है, ठीक है। अगर कोई हम सपोज कीजिए कि छोटा सा देखिए, जो सर्कल, देखिए ये सर्कल को बोलेंगे जेनरेटिंग सर्कल, या जो इस पे था स्ट्रेट लाइन पे था, जो स्ट्रेट लाइन ये था, यहाँ पे भी जो ये सर्कल था इसको बोलेंगे जेनरेटिंग सर्कल, सेंटर इसका सी था, जेनरेटिंग सर्कल। और ये जो सरफेस है या जो स्ट्रेट लाइन है उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग सरफेस, ये सर्कल है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टिंग सर्कल,
डायरेक्टिंग सर्कल। आपको पता चल गया क्या क्या, एक होता है जनरेटिंग, एक होता है डायरेक्टिंग। सपोज कीजिए कि ये एंगल थीटा है, ये जो सर्कल है ये कोई बड़ा सा सर्कल है, उस सर्कल पे अगर रोल्स कर रहा है, फिर ये अब यहाँ पे अगर इसका पॉइंट ए बी सी डी, बार बार ये हो जा रहा है, सी हम सेंटर को मान ले रहे हैं, ठीक है, ई ऊपर मान लीजिए, पॉइंट से कोई मतलब नहीं, तो कोई भी आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 भी कोई लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माने ये थीटा है एंगल, तो ये सर्कल इस सर्कल पे रोल्स कर रहा है, ये सर्कल पे रोल्स कर रहा है, तो ये थोड़ा देर अगर यहाँ है, तो फिर थोड़ा देर अगर 90 डिग्री के बाद हम पोजीशन देखें, तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, बी पॉइंट अगर दूसरा देखे तो यहाँ आ जाएगा, फिर देखे यहाँ आ जाएगा, फिर देखे थोड़ा देर का रोटेट करते करते ऐसे ही आ जाएगा ना। अगर हम ए वाले पॉइंट का ट्रेस करें, ए पॉइंट को यहाँ से अगर देखें, तो थोड़ा देर बाद ये ए यहाँ है, तो थोड़ा अगर इस वाले सर्कल में 90 डिग्री के बाद कहाँ आ जाएगा, ये ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, फिर वैसा ही करके ए यहाँ आ जाएगा इसके बाद वाले में, ठीक है। तो अगर इसका हम ट्रेस करें तो किस टाइप से ट्रेस होगा, ये यूँ ऐसे ही ट्रेस होगा ना, इसी टाइप का बनेगा, इस टाइप का शेप बनेगा। अगर ओनली हम इसी के बीच में हमको रखना है, तो उस वो डिपेंड करता है कि रेडियस कितना है, ये एंगल कितना होगा। हम तो ऐसे जनरल लिए, देखिए अगर आपको ऐसे रहे तो एंगल कितना होगा वो आपको कैसे पता चलेगा, उसका भी एक फार्मूला है, थेटा इज इक्वल टू आर बाई आर इंटू 360, ठीक है। ये थेटा कितना होगा ये डिपेंड करता है, ये छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है, बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना है, इससे आप डिसाइड होता है, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पे ये किया तो इसमें इस टाइप का शेप बनेगा, करीब इस टाइप का शेप बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपिसाइक्लॉइड, इसको क्या बोलेंगे एपिसाइक्लॉइड। अगर स्ट्रेट लाइन पे घूम चलता है तो उसको बोलते हैं साइक्लॉइड, सर्कल पे घूम छूमता है, कोई सर्कल सर्कल पे रोटेट कर रहा है तब बोलते हैं एपिसाइक्लॉइड, ठीक। सर्कल के क्या लिखा है, सर्कल के ऊपर ये रोटेट कर रहा है, देखिए ये सर्कल क्या है, एक सर्कल के बाहर है। लेकिन यही अगर सपोज कीजिए कि ये सर्कल रोटेट कर रहा है सर्कल के अंदर में, ये सर्कल है, ये बड़ा वाला सर्कल है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग सर्कल, सबको दिख रहा होगा पूरा क्लियरली, डायरेक्टिंग सर्कल बोलते हैं इसको, बड़ा वाले को, छोटा वाले को जनरेटिंग सर्कल। अगर ये सर्कल सर्कल के ऊपर नहीं, सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर है, ये वाला सर्कल कहाँ था, सर्कल के बाहर था, सर्कल के बाहर था तब बोलते हैं एपिसाइक्लॉइड। सर्कल के अंदर है, सेम प्रोसेस सेम वैसा ही, अगर कोई पॉइंट है ए बी सी उसको हम ट्रेस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड, अगर सर्कल के बाहर है तो उसको बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड, ठीक है। फिर बच्चा लोग पूछेगा, फिर कुछ बच्चा का डाउट हुआ, बोला कि सर तो फिर ट्राइक्लॉइड क्यों लिखे आप, ट्राइक्लॉइड इसलिए, अगर देखिए जहाँ अगर हम पूरे सेंटर वाले पार्ट को, सॉरी सर्कम्फ्रेंस वाले पार्ट को ट्रेस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं साइक्लॉइड या एपिसाइक्लॉइड या हाइपोसाइक्लॉइड, जब सर्कम्फ्रेंस वाले पार्ट को हम ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर पॉइंट सर्कम्फ्रेंस पे पॉइंट अगर सर्कल के बाहर रहे या अंदर रहे, सर्कल के बाहर हो या अंदर हो, तब उसी चीज़ का टर्म का नाम आ जाता है ट्रॉक्वाइड। ट्रॉक्वाइड कब होता है, जब सपोज कीजिए कि ये पार्ट जब हम ट्रेस करते हैं किसी पॉइंट को और वो पॉइंट सर्कल के अंदर हो या बाहर हो, कौन सर्कल, जनरेटिंग सर्कल के बाहर हो या अंदर हो पॉइंट, तब उसको बोलते हैं ट्रॉक्वाइड। तो फिर एक तो इसमें फिर दो केस आएगा, एक होगा बाहर एक होगा अंदर। तो जब बाहर होता है पॉइंट तो उसको बोलते हैं सुपीरियर, जब अंदर होता है पॉइंट तो उसको बोलते हैं इन्फीरियर। जब पॉइंट जब जनरेटिंग सर्कल जो होता है उसके बाहर में पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं सुपीरियर ट्रॉक्वाइड, अंदर में पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं इन्फीरियर ट्रॉक्वाइड। ट्रॉक्वाइड वर्ड क्यों किया गया है, ट्रॉक्वाइड सिंपली अगर कोई बोलेगा ये भी बोल सकता है कि सर तो बीच में क्यों नाम लाए, एक नाम दे दिया गया है क्योंकि वो अपने पाथ से यानी जो मेन सर्कम्फ्रेंस से डेविएट हो गया, इसलिए ट्रॉक्वाइड। ट्रॉक्वाइड वर्ड क्यों आया किसी के लिए भी, ट्रॉक्वाइड बिकॉज वो अपने मेन सर्कम्फ्रेंस पे नहीं है, उसके बाहर है या अंदर है, बाहर है या अंदर है, अंदर है तो इन्फीरियर, बाहर है तो सुपीरियर। आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा इतना तक, ठीक। अब हम इसके बाद देखिए, सबसे पहले हर चीज़ कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है वो चीज़, ठीक है। तो हम आपको इसमें बताए हैं कि साइक्लॉइडल कर्व क्या होता है, एपिसाइक्लॉइडल क्या होता है, कोण क्या होता है, ठीक है।
इसका डेफिनेशन हम साइक्लॉयडल कर्व का डेफिनेशन और साइक्लॉयड का डेफिनेशन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। अगर साइक्लॉयडल कर्व का डिफाइन करें, अगर साइक्लॉयडल कर्व को हम डिफाइन करें तो हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द कर्व जनरेटेड बाय द सर्कल, इट इज़ द कर्व जनरेटेड बाय द सर्कल व्हेन द सर्कल रोल्स, व्हेन द सर्कल रोल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन या ऑन ए सर्कल विदाउट स्लिपिंग। ठीक, ये वैसा कर्व जनरेट होता है किसी सर्कल के द्वारा जब वो सर्कल किसी स्ट्रेट लाइन पे या किसी सर्कुलर सरफेस पे रोल्स करता है बिना स्लिपिंग के, ठीक है ना। तो उस पॉइंट को, उस पॉइंट से जो शेप जनरेट होता है उसी को बोलते हैं साइक्लॉयडल कर्व। सिर्फ साइक्लॉयडल कर्व में फिर अगर अलग अलग आता है साइक्लॉयडल, तो साइक्लॉयडल किसको बोलेंगे, जब कोई सर्कल स्ट्रेट लाइन पे रोल करे, जब कोई सर्कल स्ट्रेट लाइन पे रोल करे विदाउट स्लिपिंग और उसके सर्कम्फ्रेंस के किसी भी पॉइंट को हम ट्रेस करते हैं तो एक हमको शेप मिलता है, उस शेप को हम साइक्लॉयड कहते हैं, उस शेप को हम साइक्लॉयड कहते हैं। ठीक, इतना के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं डेफिनेशन, आप सब लोग लिख लीजिएगा वन बाय वन करके वीडियो स्टॉप करके। ठीक, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे साइक्लॉयडल कर्व को कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको साइक्लॉयडल कर्व का डेफिनेशन लिख दिए हैं जो कि हम अभी जस्ट प्रीवियस बता रहे थे। इट इज़ द कर्व, जो कर्व जनरेट होता है वो बाई ए फिक्स पॉइंट, कोई भी फिक्स पॉइंट रहता है किसी सर्कल पे तो उसके द्वारा जो कर्व जनरेट होता है व्हेन सर्कल रोल्स, जब सर्कल रोल्स करता है ऑन द स्ट्रेट लाइन या सर्कल, ठीक है ना, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं होना चाहिए सर्कल के पास, स्लिप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन होता है या सर्कल जिसपे रोटेट, जिसपे वो क्या होता है कि रोटेट होता है उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग, जो फिक्स्ड रहता है उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग, और जो रोलिंग होता है, जो रोटेट करता रहता है उसको बोलते हैं जनरेटिंग। ठीक, और साइक्लॉयड क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन पे होता है तो उसको बोलते हैं साइक्लॉयड। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा ओनली स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, और विदाउट स्लिपिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए आराम से। ठीक है, एक और पॉइंट आपको हम बता देते हैं कि जब इपिसाइक्लॉयड, चलिए ऐसे इपिसाइक्लॉयड पढ़ाएंगे उसमें बता देंगे, लेकिन ऐसे ही बता देते हैं। जैसे देखिए जब डायरेक्टिंग सर्कल है, इस पे हम बताए थे आपको कि जनरेटिंग सर्कल छोटा होता है और रोटेट करता रहता है, जनरेटिंग सर्कल का बोले थे रेडियस आर होता है और ये डायरेक्टिंग का बड़ा वाला आर होता है। तो थीटा कैसे निकालते हैं हम बता दिए थे, थीटा इज इक्वल टू आर बाई आर इंटू 360, बिकॉज पूरा 360 होता है तो इसे थीटा का वैल्यू आपको निकल जाएगा। ठीक, अगर देखिए जब आर आर इक्वल टू आर हो जाता है, ठीक है ना, जब जनरेटिंग सर्कल और इसका दोनों का रेडियस सेम होता है तो देखिए एक प्यारा सा शेप बनता है। अगर दोनों का शेप बराबर हो, यदि डायमीटर रेडियस बराबर हो तो एक बहुत प्यारा सा शेप बनता है, ठीक है ना। उसको देखिए ये इस टाइप से बनता है, बहुत अच्छा सा शेप बनता है, ठीक है। हम इसको कार्डियार्ड बोलते हैं, कार्डियार्ड मतलब दिल का क्षेत्र क्या होता है, कार्डियार्ड का वैसा ही होता है। तो जब व्हेन आर इज इक्वल टू आर तो उसको बोलते हैं कार्डियार्ड, कार्डियार्ड, ठीक है। तो इसको आप, इसको कार्डी वर्ड बोलते हैं, ध्यान बस इतना ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं पूछे। ठीक, अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लॉयड, ठीक है। तो अब ये, लेकिन इसके लिए हमारा आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कार्डियोड के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, सॉरी जो कैसे हम बनाते हैं साइक्लॉयडल कर्व उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।